राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा, 16 और 18 अक्टूबर को राजस्थान दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कल उदयपुर और जोधपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। नड्डा कल सुबह 10 बजे विशेष चार्टर प्लेन से उदयपुर पहुंचेंगे। 10:30 बजे होटल हॉवर्ड जॉनसन से मिलेंगे उदयपुर संभाग की बैठक। बैठक में उदयपुर शहर, देहात, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के पदाधिकारी शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे डूंगरपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। दोपहर करीब 4 बजे जेपी नड्डा उदयपुर से जोधपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें, जोधपुर के होटल कस्तूरी ऑर्किड में जोधपुर संभाग के पदाधिकारियों से बैठक लेंगे। बैठक के बाद 10:00 बजे जेपी नड्डा विशेष चार्टर प्लेन से जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके बाद जेपी नड्डा 18 अक्टूबर को कोटा और अजमेर संभाग के दौरे पर रहेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब राजस्थान की तरफ रुख है। चुनावी समर सामने है और उसी को लेकर तमाम तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है। 16 और 18 अक्टूबर को राजस्थान के दौरे पर जेपी नड्डा रहने वाले हैं। सोलह और 18 अक्टूबर को जेपी नड्डा राजस्थान में होंगे। तमाम जिलों के दौरे पर वो रहने वाले हैं। पदाधिकारियों से चिंतन मनन किया जाएगा और अब दूसरी सूची पर जो है वो काम तेजी से चल रहा है, तो जल्द ही दूसरी सूची भी बीजेपी अपनी जारी करेगी। फिलहाल पहली सूची को लेकर जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं, जेपी नड्डा का ये दौरा है, किस तरह से लोगों के अब जो विरोध हो रहा है उसे थामा जाए और इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए। राजस्थान के दौरे पर जेपी नड्डा रहने वाले हैं। 16 और 18 अक्टूबर को राजस्थान में होंगे जेपी नड्डा। कल उदयपुर दौरे पर रहेंगे, विशेष चार्टर प्लेन से उदयपुर पहुंचेंगे। उदयपुर संभाग की बैठक लेंगे। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। डूंगरपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा की 1 बजे बैठक लेंगे। 4 बजे जेपी नड्डा उदयपुर से जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे।